like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. आज फूल नहीं दिया तो कल थोड़ा सा फ्रिज में उस दिन फूल लाई थी ना वही, लेकिन आज इसमें क्या फूल आया है। अभी सुबह से फिर से क्लाउड, कहाँ से धूप तो दिया था लेकिन ये फिर से आ गए। बाप रे कितने सारे हुआ, देखो लगभग 10 हुआ है। ये वाला फ्लावर ना बहुत अच्छा है, किसी के घर पे धूप आता है तो ये जरूर लगाना, ये बहुत इजीली हो जाता है, ज्यादा कुछ केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मस्त लगता है। वो नीचे भी है, कल दशहरा था ना तो फूल वाला आया नहीं, और फूल उठाने से ना और भी फूल होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी शाम हो चुका है, आज मेरा पूरा बॉडी ना ऐसे ऐसे हिल, इसलिए आज मैंने चाय बनाया। हाँ हाँ सोच, चलो चाय कौन बनता, एक दिन तो बना के खिला, एक दिन तो बन के खिला, क्योंकि सास भी कभी बोलती, ससुर भी कभी दामाद थे। मैं बनाऊंगा एक सीरियल, ससुर भी दामाद थे। सांद्र मुझे पूछते है ऐसा कोई सीरियल क्यों नहीं बनाते, मुझे पूछ रहे थे ऐसा कोई सीरियल है, मैं बोला हाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियल देखती हूँ, मैं बोला नहीं है तो बोलता ऐसा बनाने के लिए। ससुर भी कभी दामाद थे। चार पांच दिन से रात को सो रही थी कि 3 बजे 4 बजे, तो बॉडी का संतुलन, तो वो भी सुबह सुबह उठना पड़ रहा, एकदम कुछ अजीब अजीब कि तुम्हारे ये ईस्ट फेसिंग घर के चक्कर में ना सुबह 6:30 अभी तक, फिर भी लेट करके सनराइज होता है 6:30 के बाद, आपका नींद नहीं है, आप अगर सो भी रहे हो ना तो वो नींद बेकार। तीसरी वजह से पहले क्या मेरा वहाँ पे पूरा एकदम अंधेरा रहता है ना, रूम एकदम अंधेरा रहता था, और इस वजह से मतलब सुबह से आज बाप रे बाप क्या हो गया पता नहीं। शांतनु ऑफिस से आके सो गए थे, मैं बोला नहीं चलो अभी कुछ खाते है भाई, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आज मुझे खाने का भी मन नहीं था। रात को कल वो सब अच्छा पच्चर खाया, रात कल जो खाया ना वो सिर्फ स्वीटी के लिए मैंने खाया, अदरवाइज मुझे जाने का एकदम भी मन नहीं था, लेकिन उसका मन रखने के लिए मैं गई। क्या करूँ, ये चना चूर दुर्गा पूजा में खरीदा था, चना चूर मुड़ी और यहाँ पे चाय, मस्त। 4-5 दिन बाद हम लोग शाम को चाय बैठ के चाय पी रहे, दुर्गा पूजा के स्टॉल पे वो चाय ढूंढ रहा था, चाय नहीं था, एक जगह पे था वो भी, वो उस टाइम पे खाना खाना हो गया था तब बोल रहे, मैं बोला पी लो चाय कम से, वो चाय भेजता नहीं है, चाय मिलता नहीं है, चाय इजीली नहीं मिलता। तो उन्होंने जो दिया ना कैंडल, आज फाइनली उसको जलाया, यहाँ पे रखने से अच्छा खुशबू आएगा, साइड में गुलाब की पंखुड़िया गया होगा पता नहीं। है देखो स्वीटी सारे ज्वेलरी पहना है, ये सारे इधर रख दिए, इसमें से एक स्पेशल ज्वेलरी दिखाते, ये वाला देखो, ये कौन सा स्टोन है बताना जरूर, ये सिल्वर का ही है लेकिन मैंने स्टोन पूछा नहीं था, ऐसे इस तरह से, ये देखो इसका नक्शा ओल्ड स्टाइल एकदम ये है, और एक तो ये वाला है, और शांतनु सूम रहा है इसको हाथ देख के। गुलाब की पंखुड़िया बाकी रहेगा ना बिरयानी में डाल देना, एक गुलाब के पंखुड़िया बिरयानी में डालोगे। और ये देखो ये ब्रास का है, इसका बहुत सुंदर दिखने में डिजाइन, और ये तो कॉपर का, ये स्वीटी ने केक खरीदा था कॉपर का, हाँ ये इधर ही रख दिया स्वीटी ने। यहाँ पे मटर को बॉयल करके रख लिया है इस तरह से, फिर भी कुछ छिलका तो निकल जाएगा, ये मटर और छिलके का कहानी भाई खत्म नहीं होता, कितना भी सही तरीके से सोडा देने से नहीं होता, मैं लेकिन सोडा नहीं डालती हूँ। और इसमें है अदरक और 2 चम्मच मीट मसाला, वही है कमाल, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल पे मसाला, हल्दी, नमक, और इसको भी बॉयल करना है, जब बॉयल होगा थोड़ा सा इमली। फाइनली आज 4 दिन बाद रात में खाना बन रहा है, 4 नहीं 5, हाँ 5 दिन बाद, 5 दिन बाद रात में खाना बन रहा है। दोपहर में तो 1-2 दिन बना था लेकिन रात, और वो भी रोटी, मस्त गर्मी है। और ये जो घुगनी है ना इसको थोड़ा सा बॉयल करना है, थोड़ा सा बॉयल होगा लास्ट में, मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जैसा ब्लैक सॉल्ट डाला था, तब कैमरा ऑफ हो गया था, तो ब्लैक सॉल्ट मस्ट है, वो जरूर डालना तभी टेस्ट है, थोड़ा सा बॉयल होगा ना तो मस्त टेस्ट है। और स्वीटी आज स्कूल गई थी क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दिन छुट्टी रहता है, सिर्फ दशहरा के दिन, उसने अष्टमी और नवमी ना छुट्टी लिया था स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे रहता नहीं है छुट्टी,
क्योंकि क्या करें, हमारा दुर्गा पूजा इज आवर बिगेस्ट फेस्टिवल, साल में एक ही बार है, तो वो भी एंजॉय करना है पढ़ाई के साथ साथ। कल छेंछड़ा खाने के बाद आज स्कूल गई थी, वो सुबह उसको बहुत टायर्ड लग रहा था फिर भी हो गई। चलो स्कूल से आके फैनी क्या बोले पता है, स्कूल से आके बोला तुम फिश फ्राई बनाना मेरे लिए, स्कूल से आके बोले फिश फ्राई, बोले वाह वाह वाह, तो चाहती फिश फ्राई खाया ना, बोले स्कूल लेके जाओ। फिश फ्राई इसका सबसे फेवरेट है इसका। दुर्गा पूजा के बाद पहला दिन स्कूल कैसा रहा आपका, आपका कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा। वेरी नाइस, दो हाथ से दो हाथ से दो हाथ से। वो बातें कर रही थी तब मैंने आलू पोस्तो बना दिया मैंने। क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या फेंक रहा है एकदम? अरे आज दीदी रीनी दीदी के साथ बात हुई ना, तो उसने आलू पोस्त बनाया। अच्छा, वो सुनकर तुम्हारा भी इच्छा हुआ? अरे नहीं, आलू पोस्त आज बसा। और क्या बनाया? आलू दीदी ने आलू पोस्त बनाया, फिश बनाया था। तो वो भी बनाओ फिर फिश। हाँ तो और क्या बनाया? बनाया बोला भूल नहीं, मैं आलू पोस्त याद है। यहाँ पे चाहिए ले लो। एक्चुअली भगवान का प्रसाद देते है तो रोज खाना नहीं आता, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, उसके बाद जिसका जो मन चाहे। अरे ये है कल का बचा कुचा मिष्टी। कल खा नहीं पाई थी मैं, एक ही खाई थी। और ये है घुगनी, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, ये इस तरह से, ये वहाँ पे भोजगोर में सुबह में उड़ी के साथ बनता है इस तरह से, ऊपर से प्याज। हाँ, निरामिष बोल के बनाते हैं और प्याज नहीं डालते, तो वही मतलब मैंने देखा था, मतलब ये अच्छा। और एक टाइप का तो आलू वालू भून भान के बनाते हैं, वो तो अलग होता है, लेकिन ये थोड़ा इजी मेथड। ये आलू पोस्त के साथ मेरा रोटी बहुत अच्छा लगता है, रोटी सब सुन के हंसेगा शायद, नहीं कुछ कुछ जगह पे खाते, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ आलू पोस्त, में टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी, तुमने याद दिलाया आलू पोस्त, भाई आज अमृत लगेगा। और ये गंधराज लेबू मस्त एकदम उसके साथ, लेकिन लेबू का रस निकले तब ना, रस रहता ही नहीं है इसमें, निचोड़ के थोड़ा सा मैं भाई आलू पोस्त अमृत, ये लो रोटी खाएंगे। चलो ये देखो, एक छोटा सा फ्लावर हुआ है और यहाँ पे एक अबोली हुआ है, देखो मस्त खिला है, अच्छा लग रहा है। इतना छोटा क्यों हुआ, शायद इसको पानी कम मिलता है। अभी भी है, अच्छा खासा धूप था, ये कहाँ से आ गया, हाल है मेरा कपड़ा भी भीग गया, दे तरीका, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बारिश हो रही, सारे सूख गया था, दे तरीका, दे नीचे शायद 5 मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया था, बारिश हो रही इतना जोर से, सुनंदा ने भी बताया नहीं ठीक तरह से, सुनंदा तब काप कर रही थी, अरे पूरा गीला हो गया एकदम, ये सारे फिर से फैन के नीचे रात को देना पड़ेगा, ये रात को फैन के नीचे देने का चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं। बारिश भी तो इस साल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वेदर हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पूरा एक बकेट कपड़ा, 2 बकेट ऑलमोस्ट ही, और इस्त्री का कपड़ा लेने नहीं आया 2-3 दिन से, दशहरे से पहले से, तो पूरा भर गया कपड़ा एकदम, रखने की भी जगह नहीं है, एक तो बांध के रखा था मैंने और कुछ इधर, इसको देखो कीचड़ लगा के आई है, ये क्या लगा के आई, कुछ जैकेट क्यों पहना पता है, बारिश से बचने के लिए, आज छाता लेके नहीं गया, ये मोटा सा जैकेट, ये डबल ट्रिपल साइज का, ट्रिपल एक्सएल का जैकेट खरीदा, मैं तो घुस जाऊंगी इसमें, इतना बड़ा जैकेट खरीदे, ये देखो साइज देखो, जा जा जा, छाता ना ढुकागा कोने, हाँ देखो आ दो दो दो, हाँ वो समुराई के जैसा बन जाएगा, हाँ इतना बड़ा जैकेट कौन खरीदता है, नहीं वो बोले नहीं बड़ा जैकेट अच्छा लगता है, छाता बैग के अंदर डाल, देखो 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 उसका मुँह देखो, पर मुंह देख के पता चल जाता आज बदमाशी के मूड पे आई है, और ये सुबह से टू 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 आज हवा दे रहे, खिड़की बंद कर देती हूँ उसका बजना बंद हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। कपड़ा से पकड़ो ये तो मेरा हाथ चल जाएगा, वाह बहुत दिनों बाद दूध उबाल रही, 5-6 दिन बाद अगर बाद दूध दूध उबाले तो सोचो। पम्पकिन का सब्जी बनाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं है, आलू नहीं है, बिना आलू तो पम्पकिन कोई खाएगा नहीं। तो बाहर ना आज साड़ी धोया, पता नहीं थोड़ा सा गीला गीला है, नहीं धोंगी तो अभी नहीं हो पाएगा, अभी ये भी धोया, मैं बोला रहने तो देखती हूँ थोड़ा बहुत सूख जाएगा, उसके बाद शाम रात को दे दूंगी। इतना ठंडी लग रही है, फैन को मैंने ऑफ कर दी, सुबह मैं फ्रूट्स खाया, मैं लंच में आड़ से खाऊंगी, चावल खाने का मन नहीं है, आड़ से मस्त है।
ये आज मेरा लंच होगा और एक खाऊंगी तो खाऊंगी। और स्वीटी को सब्जी लेने बोला, सब्जी लिया नहीं, सुबह में शांतनु के लिए बनाया है। ओहो घुगनी, घुगनी बचा बच गया, वो घुगनी और चावल, आलू पोस्त भी था वो भी लिया नहीं, मूड नहीं है वो ऐसे बोल पे उसको खाने में, दोपहर में स्पेशली उसको मजा आता है। बाप रे क्या बारिश हो गया अक्टूबर में, ऐसा बारिश कैमरा में तो फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन एकदम बहुत अंधेरा अंधेरा हो गया, पूरा एकदम मानसून जैसा बारिश हो रहा है, जबरदस्त बारिश हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सिग्नल विग्नल सब लग रहा है, जो दुर्गा पूजा का चार दिन का ये था पानी था वो सब अभी एक साथ बरस रहा है। यहाँ पे पूरा तालाब बन गया, पूरा देखो पूरा तालाब, इसलिए सारे गाड़ियाँ एक साइड से जा रही है, राइट से आप जा ही नहीं सकते हो इतना पानी हो। घर आके तो देखने में आ रहा है यहाँ तो बारिश ही नहीं है, यहाँ तो एकदम बारिश मतलब सिर्फ बादल ही बादल दिख रहा है, बारिश दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ तो बाप रे क्या बारिश था, अंधेरा कायम रहे। स्वीटी एकदम नाक ढक के सो रही है। पकौड़ा का अंदर में कोई सोता है क्या? पकौड़ा बनाओ, चाय पकौड़ा, चाय पकड़ो बनाओ, बैठ गई है। अरे ओ, ए, घर ढुके यहाँ पे बंद करो दरवाजा, घर ढुके के ले रही थी अल्लाह, धीरे धीरे निकालो उसको, डर गई है वो, दूर बंद खोलो दूर भाई, बेरी जावे ओ बेराले भिजे जावे আর উঠতে পারবে না, কোথায় গেল ফ্যান কোপার, আরে চল তো বাসাতে দি আছি उसका भाई है, घोंसला है मेरे घर पे, बच्चा हुआ है। अरे भाई उतर, आ 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 घर का एड्रेस मिल गया, जाओ नीचे दिख रहा है उसका घोंसला, वो घर का येलो कलर का छोटा छोटा बेबी नहीं है ना, नहीं नहीं है ना, मम्मी है। एक बात बहुत दिनों से आप लोगों से छुपा के रखा था, कैमरा में भी मैं कोशिश किया था ना दिखाने के लिए, लेकिन एक दो फ्रेंड ने नोटिस किया था, पंछी का घोंसला बनाया, दो पंछी इस तरह से, देखो घोंसला काफ़ी दिनों से बनाया है, डेढ़ दो महीना हो चुका है, अभी बच्चे हो चुके हैं, मैंने इसीलिए नहीं शेयर किया, मैं बोला छोड़ो बच्चे होने दो उसके बाद बताते हैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और देखो ये इस तरह से घास, वो जो हिल्स है ना वहाँ से लेके आते हैं, वो बनाया था एक तरफ बनाया था और दूसरे तरफ फिर से बड़ा करके बना रहा है, वहीं पे अभी अंडा दिया है, बच्चे भी हुआ है छोटा छोटा। ऐसा आप लोगों को वीडियो वही डिस्कवरी में देखने मिलेगा ऐसा, तो लेकिन वीडियो में बैलेंस संभाल नहीं पा रहा क्योंकि जगह छोटा है ना, तो फिर से उसी को क्योंकि घास जैसे जो लेके आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा है और पंछी तू सा है बेचारा, अभी देखो उसको कैसे करके टैकल करेगा। अरे उसको उसी को अंदर वाह उसको लेके अभी अंदर से वो खींच नहीं पा रहे, अभी अंदर का दृश्य तो मैं नहीं देख पा रही हूँ ना आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, अच्छा है ची ची करके आवाज़ आ रहा है, ओह वाह भगवान ने कैसा बनाया ना, उसको पता है कैसे करके करना है। आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, बहुत सारे बच्चों का आवाज़ आ रहा है लेकिन बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, छोटा बच्चा दिख जा, सुना दे रहे चार तीन चार तो है ही लग रहा है लगभग, ये जो है ना ये छोटा सा गोल जैसा दिख रहा है ये उसका मतलब दरवाजा है। ओह माय गॉड बहुत सारे बच्चे हैं, एक तो बच्चा दिख जाओ चू 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 कर रहे, छोटा बच्चों का आवाज़ है, उन्होंने क्या किया पुराना जो घोंसला है ना उसको थोड़ा साइड किया, ये बच्चों के लिए नया घोंसला बनाया, पुराना घोंसला उधर ये देखो दिख रहा है और देखो पुराना घोंसला मतलब खींच के सेपरेट किया थोड़ा सा, क्योंकि गंदा बंदा अंडे का वो सब रहता है ना। ओह माय गॉड मैं मैत्री को बोलूँ और वो मेरा बात ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
तो इतना अच्छा बढ़िया बारिश का मौसम में मैं इतने गर्मा गर्म पकौड़ा बनाया, दिखाता हूँ। एकदम मस्त गर्मा गर्म पकौड़ा, ये देखो आलू भोपले का पकौड़ा और मसूर का दाल, पकौड़ा के साथ चटनी भी है और चावल भी है। दाल पकौड़ा इतना इतना अच्छा मौसम है ना। मस्त मौसम, मौसम तो चलता ही रहता। चलो खा लेंगे। कोई नहीं, पंछी का आवाज कितना जोर का आवाज आ रहा है। एक पहाड़ा दे रहे, मालूम नहीं, ये एक इधर पहाड़ा दे रहे। कितना सारा है।